अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस तरह आप कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो आप एक इजी रेसिपी की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी मेहनत से आपका सारा काम आसान हो जाए। इसी तरह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये जो हमारी ब्रेन स्टैम्प है इसके ट्रांसवर्स सेक्शंस की एक ऐसा इजी ट्यूटोरियल दूंगी आप लोगों को कि आप लोगों के लिए ड्राइंग्स बनानी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा से। इसके हमारे पास आ जाते हैं 4 ट्रांसवर्स सेक्शंस। अब स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट 2 से। एक है पिरामिड के लेवल पे हमारी डीकसेशन होती है और दूसरा है मीडियल लेमिनिस्कस के लेवल पे। आपने इसी तरह यहाँ पे कह लें आप एक एप्पल बना रहे हैं, आपने यहाँ पर एक एप्पल बनाया। अब यहाँ पर जब मीडियल लेमिनिस्कस पे आप जब एप्पल बनाने आया ना तो आपने उसमें थोड़ी सी एक बल्जिंग कॉज कर दी है। तो ये मीडियल लेमिनिस्कस है, यहाँ पर आपने नीचे बनाने हैं यूं करके 2 गोले बनाने आपने इस तरह करके, क्योंकि आपने ऊपर भी बल्जिंग कॉज किया तो नीचे भी आप कह लें यहाँ पर एक बल्जिंग आप बना रहे हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले अपनी जो साइड्स हैं वहाँ पर इस तरह करके आपने ये बना देना एग्जाम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, आपके पास एक माइक है छोटा सा जो आपने यूं करके इसको लेके जा। उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसका जो है ना हमने एक बनाना है यहाँ पर, कह लें एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया, एक हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। ये जो प्रोटेक्शन है यहाँ से हमने यूं करके फाइबर्स निकालने शुरू करने हैं, यहाँ तक हमने फाइबर्स निकाले। इसी तरह हमने इसको अपोजिट साइड पर निकाल दिया, इस तरफ हमने इसको फाइबर्स को निकालना शुरू कर दिया। ये हमारे पास है डीकसेशन का लेवल है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह करना है कि अब आपने ये बल्जिंग बनाई, इसी के साथ आप अंदर कह लें आप इसकी आउटलाइंस बना दें। अब जो अंदर वाली हमारी 2 है ना इसमें हमने बनानी है 3 डॉट्स बनाएंगे हम, और जो बाहर वाली है उसमें हम बनाएंगे 2 डॉट्स। अब ये कह लें यहाँ पर हमारा रिले हो रहा है कुछ फाइबर्स का, आपने इस तरह करके फाइबर्स बाहर निकाल देना है। जैसे यहाँ पर आके रिले हुआ है इन लोगों का इस तरह, और उसके बाद आपने क्या करना है, अब जैसे यहाँ क्रॉसिंग ओवर हमने सिंपल करवाई थी, अब थोड़ा सा आगे जा रहे थोड़ी तो कॉम्प्लिकेशन होंगी ना हमारे लिए, तो अब इसकी आपने कैसे क्रॉसिंग ओवर करानी है। इसके फाइबर्स यूँ आपने सीधे लेके गए और अपोजिट साइड पर आ गए, सीधे गए और अपोजिट। उसके बाद आपने इसके अंदर ऐसे करना है कि आप सीधा होगे और ये बहुत प्यारा सा आप यूं करके नीचे आओगे और ऐसे आपने बना देना जैसे आपने फिंगर्स यूं करके अपनी पकड़ी होती हैं इस तरह। यहाँ पर डीकसेशन बनी तो इस लाइक कि आपने यहाँ पर इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया इस साइड से भी और यहाँ से भी थोड़ी सी आपने इसको प्रोटेक्शन दी है, ठीक है। ये हाथ की होगी ड्राइंग कंप्लीट। अब जो दूसरी वाली है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने अब इतना तो अभी थोड़ी सी खाली जगह रहेगी, अभी अच्छी भी नहीं लगी, तो हम इसमें यूं करके ना जैसे कह रहे हम यूँ लूप्स बना देंगे, यहाँ पर भी लूप्स बना देंगे हम, और ये हो गया। अब इसमें हमारे पास एक जो हमने चीज़ करनी है, अब यहाँ से हमारी नर्व्स भी तो पास आउट करती है ना, तो अब जो पिरामिड है वहाँ पर एसेसरी नर्व अब कैसे पास करती है। अब ये जो यहाँ पर आपने दूसरा वाला जो बल्ब बनाया था यहाँ पर इसकी बॉडी बनाई और ये यहाँ से माइक के पास से गुजर गया, यहाँ आपने इसकी बॉडी बनाई और ये माइक के पास से गुजर गया, ये आपकी कौन सी है एसेसरी नर्व। अब इसमें अब आप आ जाएंगे तो इसमें जो आपकी एक होती है हाइपोग्लॉसल, हाइपो मतलब वो नीचे आती है, तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर बनाया उसकी और यहाँ उसको नीचे ले गए, यहाँ पर आपने इसको बनाया और आप उसको नीचे ले गए। अब जो दूसरी आपके पास जो एसेसरी जिसमें आप इसकी यहाँ ऐसे जा रही थी, तो अब इसमें आपने क्या किया यूँ और माइक के पास से गुजर गए। अब इसने गुजरना माइक के पास से ही है, बस ये थोड़ा नीचे से जाता है, ये इसके पास से गुजर जाता है ये, और यहाँ से वो चले गए। अब मैंने आप लोग को एक और बात बतानी है कि हमारे पास ब्रेन स्टेप है, एक ये पिरामिडल शेप है, ये पिरामिडल शेप है हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ऊपर ये हमारे पास आ जाती है मिड ब्रेन, इसका ये जो अपर पार्ट है ये हमारे पास आ जाता है पॉन्स, और नीचे का ये सारा हमारा पार्ट है ये आ जाता है मेडुला ओब्लोंगेटा, और उसके बाद आगे हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। तो जो मिड ब्रेन है ना, ये जो आ रही है मिड ब्रेन, यहाँ पर हमारे पास जो कैविटी है या फिर जो हम बीच में से जो एक चीज़ पास करी है, किनाल पास करिए, इसको हम कहेंगे सेरेब्रल एक्वाडक्ट। पॉन्स के पास से ही सेरेब्रल एक्वाडक्ट गुजरती है, तो इसको हम कह देते हैं 4th वेंट्रिकल। अब ये मेडुला ओब्लोंगेटा में भी आ रही है तो इसको हम 4th वेंट्रिकल कहेंगे, लेकिन जब हम इसके लोअर पार्ट की तरफ आ जाते हैं मेडुला ओब्लोंगेटा के, तो उस 4th वेंट्रिकल को हम दूसरा नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं सेंट्रल केनाल। सेरेब्रल एक्वाडक्ट आई, नीचे जाकर उसने 4th वेंट्रिकल बनाया और नीचे आकर उसने सेंट्रल केनाल बना दी। अब हम पढ़ रहे हैं मेडुला ओब्लोंगेटा और उसका हम लोअर पार्ट पढ़ रहे हैं, यानी पिरामिड्स और मीडियल लेमिनिस्कस। तो इसकी हमारे पास सेंट्रल कैविटी क्या आएगी, सेंट्रल जो है हमारे पास क्या आएगा, सेंट्रल कैविटी आएगी, क्योंकि हम मेडुला ओब्लोंगेटा का लोअर पार्ट पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आप लोग को करवा देती हूँ इसकी कुछ लेबलिंग्स। अब जिस तरह मैंने बताया था आप लोगों को कि ये माइक है ट्राइजेमिनल नर्व का ट्रैक और ये हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व का न्यूक्लियस है, ठीक है। अब यहाँ जो आपका ऊपर वाला ये एरिया है इसको आप कह देंगे फैसिलस ग्रैसिलस, और अंदर वाला उसको आप कह देंगे न्यूक्लियस ग्रैसिलस। उसके बाद आप थोड़ा और बाहर आ जाएंगे तो आप इसको कह देंगे फैसिकुलस क्यूनिएटस, और इसका जो अंदर वाला जो उसके पास है उसको आप कह देंगे न्यूक्लियस क्यूनिएटस। ये आपके ऊपर की लेबलिंग होगी, ये ट्राइजेमिनल होगी। ये मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोग की एसेसरी नर्व पास कर रही है। अब ये जो मैंने 3 आप लोग को ये बल्जेस कहा थी कि आप लोगों ने ये बनानी है, अब ये आप लोग के पास क्या है, ऊपर वाली है पोस्टीरियर, नीचे वाली है हमारे पास इंटीरियर, और ये दोनों क्या है स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक।
इंटीरियर एंड पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक. अब जो अंदर वाली आप लोगों के पास वो आ जाती है लैटरल, लेकिन वो क्या है, स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक है आप लोगों का. बीच में आपकी क्या है, सेंट्रल केनाल आ गई है. ये आप लोगों की क्या है, डिकसेशंस आ गई हैं. और ये जो बल्ज हमारा ये जो प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कहेंगे पिरामिड, जिसको यहाँ पर आपने अच्छे से सर्कल्स की फॉर्म में आपने बताया हुआ भी है कि ये पिरामिड्स है. इसी तरह फैसिकुलस का जो ऊपर वाला, इसको हम कहेंगे फैसिकुलस ग्रैसिलस, उसके अंदर वाले को न्यूक्लियस, बाहर वाले को जैसे यहाँ बताया था फैसिकुलस क्यूनेटस, और अंदर वाले को हम कहेंगे इसका न्यूक्लियस. ये ट्राइजेमिनल की हमारा स्पाइनल रूट आ गया, और ये इसका न्यूक्लियस आ गया ट्राइजेमिनल का. ऊपर वाली हमारे पास आ गई है एसेसरी नर्व आ गई है, और नीचे वाली हमारे पास हाइपोग्लॉसल. इसी तरह यहाँ पर इंटीरियर हमारे पास स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक, यहाँ पर पोस्टीरियर स्पाइनो सेरेब्रल, और ये हमारे पास है लैटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक. ये हमारी डिकसेशंस आ गई हैं. अब इसका सेंट्रल केनाल थी इसकी, तो इसकी भी सेंट्रल केनाल आई, वो यहाँ पर है इसकी. यहाँ पर लूप्स बनाया, तो ये लूप्स को हम कहेंगे ओलिवरी न्यूक्लियस. नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम ओलिवरी न्यूक्लिया एंड इन्फीरियर टू द पॉन्स. अब इन दोनों की भी हम बायलैटरली सीखेंगे कि ड्राइंग कैसे बनानी है. इसमें सबसे पहले आपने यूँ करना है कि आपने बनाई एक बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाई आपने, थोड़ा सा आप उसको नीचे लेके गए. आप इस तरह एक मुंह बना रहे हैं, आपने ये बनाया उसके ईयर्स, बड़े बड़े सारे आपने इसके ईयर्स बनाए. उसके बाद आप नीचे आए, आपने उसका जब मुंह खत्म करने लगे हैं, तो अच्छा मुंह नहीं है उसका, तो उसमें थोड़ा सा ना एक डिफेक्ट है, ठीक हो. उसके बाद ये आपने बनाया यहाँ पर, इसको आप सर्कल बना देंगे जिस तरह आपने ऊपर यहाँ पर पिरामिड्स के लिए बनाया था. इसी तरह यहाँ पर आप दोबारा इसको सर्कल बना देंगे. कान वाले एरिया को भी आपने अच्छे से कवर कर देना है. कान वाले एरिया को हमने कवर कर दिया. उसके बाद अब जो कान है उसके, उसको इयररिंग्स पहनने का बहुत शौक है. ये उसके हो गए इयररिंग्स. नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि हमने क्या करना है. जैसे यहाँ पर हमने बल्जिंग कॉज की थी, इसी तरह हमने पहले एक थोड़ी सी स्ट्रेट लाइन बनाई, हम उससे यू अंदर आए, एक बल्ज, दूसरा बल्ज, और इसको हमने साथ मिला दिया. अब इसके बाद हमने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बना दी, यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना दी. उसके बाद यहाँ पर हमने एक मीनार खड़ा कर दिया है बीच में, या कह लें आपने इसकी नोज़ बना दी है लंबी सारी, पूरे इसके मुँह कवर कर दिया इसकी नोज़. इसको आपने तीन पार्ट्स दिए, और ये यूँ करके आपने उसकी कलरिंग कर दी, दो सेक्शंस बनाए और आपने इसको कलर कर दिया. नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया, आपने यहाँ बनाई इसकी आँख बनाई, एक यहाँ एक यहाँ, इसकी थोड़ी लंबी आँख बनाई आपने यूँ करके. या वैसे तो ये एक शर्ट का पीस ही लग रहा है थोड़ा बहुत. अच्छा जी, उसके बाद अब आपने क्या किया, आपने आँख तो बना दी. अब ये जो आपकी बल्जिस थी, यहाँ पर आपने डॉट्स बना दिए, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया. इसी तरह यहाँ पर भी आप लोगों ने डॉट्स बना दिए. अभी जो आपने आँख बनाई थी ना, आँख के इर्द गिर्द एक दो तीन, एक दो तीन, इसी तरह यहाँ पर आपने सर्कल्स बनाने हैं इसका. लेकिन आपने बनाना है सिर्फ एक बनाना है, ठीक है. अब आपका हो गया है. यहाँ पर आप लोगों ने क्या बनाई, आपने लूप्स बनाई, क्योंकि आपकी जगह बहुत खाली थी, आपने यूं करके इसको लूप्स बना दी, ठीक है. और उसके बाद आपने इसको क्या किया, आपने यहाँ पर भी एक सर्कल बना दी, जिसमें आपने ब्लश ऑन लगा दी. यहाँ पर इस जगह पर आपने इसका ब्लश ऑन लगाना है. ये होगी आपकी ड्राइंग सिंपल एंड ईजी कम्प्लीट. अब हम बात कर देते हैं कि आपकी नर्व्स कौन सी है. अब जैसे मैंने ऊपर भी बताया था कि आपकी जो नीचे आ रही है कौन सी है, हाइपोग्लॉसल. इसी तरह जो आप नीचे जा रही थी वो हाइपोग्लॉसल होती है. अब ये आपकी इसकी न्यूक्लियस था, आपने क्या किया, यू नीचे गए, ये आपकी कौन बन गई, हाइपोग्लॉसल, ठीक है. उसके बाद अब ये जो आपका इंफीरियर टू पॉन्स है, इसमें ये अच्छी बात है कि आपको इनकी बनाने का झंझट ही कोई नहीं है. इसमें सिर्फ इनके न्यूक्लियाई बने हुए और यहाँ पर आपकी कहानी खत्म हो जाती है. यहाँ पर तो आपको बताने पड़े ना इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, इसको कहाँ लेके जा रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं बनाना आपने. नेक्स्ट आपके पास आ जाती है वेगस. वेगस आपने कुछ इस तरीके से लेके जानी है. आप आओगे पहले यहाँ ऊपर, ऊपर आओगे तो ये वाला पहले आप इसमें एक में रिले करोगे, दूसरा तो ये आपका गोला बना हुआ है, ठीक है. तीसरा आप जाओगे नीचे, यहाँ पर उसको कहेंगे आप परेशान ना हो, नीचे भी आ रहे हैं. इसी तरह वेगस फिर आएगी, वेगस आएगी उसके, उसमें इसने वो बनाया, रिले किया, दूसरे उसके सर्कल के पास गया, नीचे भी कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपके पास आ रहा हूँ, इसके पास भी चला गया. अब यहाँ पर भी वेगस के देखिए न्यूक्लियर आपके पास प्रेजेंट है. ये नीचे वाला भी हम बना देंगे इसका, यहाँ पर वाला ये भी हमने बना दिया, और इसकी कोई वो ट्रैक पास नहीं कर रहा वहाँ से. ये होगी आपकी ड्राइंग. अब हम आ जाते हैं इसकी लेबलिंग की तरफ. अब मैंने आप लोग को बताया था मेडुला ओब्लोंगेटा. अब ये क्या इन्फीरियर टू पॉन्स एंड ओलिवरी न्यूक्लियस. मेडुला ओब्लोंगेटा इन्फीरियर टू पॉन्स क्या, ये वाला है ना मेडुला ओब्लोंगेटा. तो यहाँ मैंने क्या बताया था कि आपके पास बीच वाली केनाल कौन सी है, फोर्थ वेंट्रिकल. तो ये जो बीच वाला आपने एरिया बनाया, ये आप लोग का क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल आप लोग का. उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि ये जो आप लोग की ये जो मैंने ईयर्स बनाए थे, ये आप लोग के क्या है, इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंगल्स, जो कि आपके सेरिबेलम को मिड ब्रेन से ज्वाइन करते हैं. आपके ईयर्स हैं तो थोड़ी ईयर की चीज़ें यहाँ पर आएंगी आप लोग की. तो जो ये आपने ऊपर वाला जो बनाया था एक सर्कल, उसको आप कहेंगे मीडियल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस. उसके बाद जो आपका इसके साथ वाला है, उसको आप कह देंगे पोस्टीरियर कॉक्लियर. और जो नीचे आपने एयरिंग का एक पार्ट बनाया था, इसको आप कह देंगे इंटीरियर कॉक्लियर. ये जो बड़ा वाला आपने सर्कल बनाया था, ये आपकी आ जाएगी इन्फीरियर वेस्टिबुलर. सारी ईयर्स की ही चीज़ें यहाँ पर आप लोग को मिल गई हैं. नीचे ये मैंने आप लोग को बता दिया था कि ये आप लोग का पिरामिड है. उसके बाद ये बीच में जो आपने एक नाक सी बनाई है इसकी, ये आप लोग का क्या है, नीचे वाला जो है इसको हम कहते हैं मीडियल लेमिनिस्कस. और जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं टेक्टो स्पाइनल ट्रैक. ये जो नीचे वाला पार्ट है, इसको हम कह देंगे इंटीरियर सेरिब्रो स्पाइनो सेरिब्रल ट्रैक. और हमारे पास ये वाला बाहर वाला जो आ जाता है, वो हमारे पास है लैटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक. तो ये हमने लूप्स बनाए थे, ये आपके पास क्या है, ओलिवरी न्यूक्लियस.
अच्छा, अब जो पिरामिड्स के पास ये जो आपकी बल्जिंग होती है इस साइड पे, इसको आप कहते हैं ऑलिव्स। ये थोड़ी मैसी सी है लेकिन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। उसके बाद हमने जैसे यहाँ पर हमने ट्राइजेमिनल पढ़े थे, ट्राइजेमिनल आपके हर ट्रांसवर्स सेक्शन के अंदर ज़रूर होंगे, चाहे उसका सिर्फ न्यूक्लियस हो या उसका सिर्फ ट्रैक हो। यहाँ पर हमारे पास ट्राइजेमिनल कहाँ पर आ जाती है, ये यहाँ पर, ये मैं बनाना भूल गई। यहाँ पर भी आप लोगों ने सर्कल बनाना जिसको आपने ट्राइजेमिनल कहना है, यहाँ पर सर्कल बनाना आप लोगों ने जिसको आपने ट्राइजेमिनल कहना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये जो वेगस हमारी आई थी, इसने जहाँ पर रिले किया था, इसको हमने क्या कहेंगे, ट्रैक्टस सॉलिटारस। ये न्यूक्लियस है हमारा। जो दूसरा जिस पे जाके ये रिले करता है ये उसका न्यूक्लियस है। और जो नीचे जहाँ पर ये रिले करता है, जहाँ मैंने कहा था कि वो कहता है कि नाराज़ ना हो मैं भी आ रहा हूँ यहाँ पर आप लोग के पास, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एम्बिगुअस। ये होगी आपकी इसकी लेबलिंग खत्म। इसी तरह इसमें आ जाएंगे, इसको हम कहेंगे पिरामिड। जिस साइड पर हमारे पास ऑलिव्स आ गए, ये हमारे पास क्या है, इन्फीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस है हमारा। इसके जो हमारा क्या था, ये इन्फीरियर सेरेब्रल पेडेंगल है हमारा। ये हमारा जो बाहर वाला, इसको हम कहेंगे इंटीरियर स्पाइनो सेरेब्रल ट्रैक। अंदर वाले को हम कहेंगे लैटरल स्पाइनो थैलेमिक ट्रैक। ये हमारा अंदर वाला जो था, इसको हम न्यूक्लियस एम्बिगुअस कहेंगे। ये जो इसका था, ये हाइपोग्लॉसल का हमारा न्यूक्लियस है। ये हमारा वेगस का न्यूक्लियस है। ये जो बड़ा सा हमारे पास गोल सा बना हुआ है, इसको हम कहेंगे लैटरल वेस्टिबुलर न्यूक्लियस कहेंगे। ऊपर वाले को हम कहेंगे मीडियल वेस्टिबुलर। उसके बाद हमारे पास ये जो ऊपर हमारे पास यहाँ आया था, इसको हम कहेंगे पोस्टीरियर कॉकलियर। और अंदर वाला जो है हमारे नीचे वाला, इसको हम कहेंगे इंटीरियर कॉकलियर। ये आपके पास फोर्थ वेंट्रिकल की कैविटी आ गई है। उसके बाद ये आपको बीच वाला मैंने बताया था, ये आपका मीडियल लेमिनिस्कस है। ऊपर वाले को आपने कहा था टेक्टोस्पाइनल ट्रैक। और ये आपकी हो गई है मेडुला ऑब्लोंगेटा के ट्रांसवर्स सेक्शंस खत्म।